महारानी आप? प्रणाम। प्रणाम। आप लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया है आपने, इसलिए मैं आप लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। इसे ग्रहण कीजिए देवी। महारानी आप ये क्या कह रही है? एक माँ जिसके 3 दिन संतानों की मृत्यु हुई है, वो भला भोजन कैसे कर सकती है? महारानी आप लौट जाइए, हमें भूख नहीं है। देवी मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, किंतु सोचिए जब आपके पुत्र लौटेंगे और आपको इस प्रकार निर्बल देखेंगे तो उन पे क्या बीतेगी? कितना दुख होगा ना उन्हें? अपने लिए नहीं, अपने पुत्रों के लिए ही सही। भोजन ग्रहण कर लीजिए। महारानी मुझे क्षमा कर दीजिए, पुत्र शोक ने मुझे कठोर बना दिया था। बिना किसी दोष के मैंने आपका अपमान किया, आपसे कटु वचन बोले, क्षमा कर दीजिए मुझे महारानी। चिंता मत कीजिए, एक माँ के हृदय में सदैव अपने संतानों के लिए सच्चा प्रेम होता है, इसलिए उनके वचन कभी कटु हो ही नहीं सकते। श्री कृष्ण पे विश्वास रखिए देवी, वो आपके पुत्रों को लेकर अवश्य लौटेंगे। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। प्रणाम प्रभु। आप आ गए द्वारिकाधीश, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी कुलदेवी से मेरे भक्तों का, उन बालकों का वध करवा के तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको और आपके भक्तों को जो दुख पहुंचा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु, किंतु मेरे पास कोई और मार्ग भी तो नहीं था आपको यहाँ बुलाने का, इसीलिए मुझे ब्राह्मण देव के पुत्रों का जीवन हरण करना पड़ा। मैं आपको यहाँ बुलाने में तो सफल हो गया प्रभु, किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जो चाहता हूँ आप उसे पूरा कर सकते हैं। यदि तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहते थे तो धर्म के मार्ग को अपनाते, या धर्म क्यों किया तुमने? क्षमा करिएगा प्रभु, किंतु जो हुआ उसके दोषी आप ही हैं। आपके कारण ही मुझे ये मार्ग चुनना पड़ा, इसलिए ब्राह्मण देव के पुत्रों के मृत्यु के कारण भी आप ही हैं और उस अपराध के दोषी भी। अपराध तुमने किया है तो अपराधी मैं कैसे हो गया? क्योंकि हत्या करने से अधिक हत्या करने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति दोषी होता है। तो मैंने तुम्हें प्रेरित किया है? प्रेरित नहीं प्रभु, विवश किया है आपने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि एक पिता को उसके पुत्र से दूर करने का परिणाम क्या होता है। तुम कहना क्या चाहती हो मकरध्वज? स्पष्ट शब्दों में कहो। प्रभु आपके भक्ति के कारण मेरे पिता सदा मुझसे दूर रहे, उन्हें तो यहाँ तक भी स्मरण नहीं है कि उनका कोई पुत्र भी है। वो आपकी भक्ति में इतने लीन रहते हैं। आपका रामा अवतार समाप्त हो गया, युग बीत गया, आपका कृष्ण अवतार हुआ, किंतु इन एक युग में भी वो मुझसे कभी मिलने नहीं आए। तो क्या ये कारण था कि तुमने उन निर्दोष बालकों की हत्या की? क्योंकि मैं भगवान और भक्त को यह आभास कराना चाहता था कि पुत्र दुख क्या होता है। मेरे पिता हनुमान ने तो स्वयं को आपकी भक्ति में भुला दिया है, किंतु भगवान होने के कारण आपका भी ये धर्म था। आप उन्हें अपने पिता धर्म के विषय में भी बताएं, किंतु संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने अधिकारों के लिए स्वयं ही लड़ना होता है। मकरध्वज मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ और इस दुख को दूर करने का मैं प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे इन बालकों का जीवन वापस चाहिए। जब तक मुझे मेरे पिता का प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक मेरे पिता मुझे पुत्र होने का सम्मान और अधिकार नहीं दे देते, तब तक मैं ब्राह्मण पुत्रों के प्राण नहीं लौटाऊंगा। नारायण नारायण, ये बहुत ही आश्चर्यचकित घटना है जिसकी कल्पना इस संसार ने कभी नहीं की होगी। एक भक्त अपने प्रभु की भक्ति के लिए अपने पुत्र को भुला दे। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि, परंतु एक भक्त के लिए अपने प्रभु की भक्ति से बढ़कर और क्या हो सकता है? किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रभु हनुमान पुत्र मकरध्वज के इस कार्य को अपमान की तरह नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे प्रभु इस सृष्टि के प्रत्येक जीव जंतु को उन्हीं के मनोभाव से देखते हैं। हे देवऋषि, अब क्या होगा? क्या प्रभु मकरध्वज को उनके कार्य के लिए दंडित करेंगे? नारायण नारायण, अब मेरे प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने, किंतु इतना अवश्य है
कि मेरे प्रभु जो भी निर्णय लेंगे वो महाबली हनुमान और उनके पुत्र मकर ध्वज के हित में ही होगा। हम द्वारका में इतने वर्षों रहे और अब द्वारका हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं। जहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं तो हम रहकर क्या करेंगे यहाँ पर? द्वारका वासी हूँ मैं, आपकी चिंता समझ सकती हूँ, किंतु कृपा करके अपने निर्णय पे पुनः विचार कर। सभी बातों पे विचार करने के बाद ही हम इस निर्णय पे पहुँचे। ऐसी द्वारिका के होने का भी क्या अर्थ? आज आपसे कुछ पूछती हूँ, बताइए कितने वर्षों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? क्या आज तक इतने वर्षों में आप सब लोगों के साथ आपके प्रभु ने कोई अन्याय होने दिया, कोई अहित होने दिया, कोई अधर्म हुआ आप लोगों के साथ? महारानी आप सत्य कह रही हैं, किंतु ये तब की बात है जब धर्म नगरी द्वारका में किसी भी असुर या अधर्मी के पांव पड़ते ही उसका अंत हो जाता था, किंतु अब यहाँ उल्टा हो रहा है, धर्म के पालन करने वाले की ही मृत्यु हो रही है। महारानी समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, अब ऐसा लगने लगा है कि द्वारिका का भी समय बदल गया है। हाँ महारानी, हमें इसलिए मत रोकिए, हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम अपने बच्चों सहित सुरक्षित स्थान पर पहुँच सके। मकरध्वज कहाँ हो? मकरध्वज सामने आओ। पिताश्री, आपके पुत्र के लोक में आपका स्वागत है। अपनी इतनी उद्दंडता करने के बाद भी तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हें अपना प्रेम प्रदर्शित करूं? तुमने मेरे प्रभु का अनादर किया है, मेरे प्रभु के भक्त के पुत्रों की हत्या की है, तुमने मेरे प्रभु को बाध्य किया है यहाँ आने के लिए। प्रभु प्रभु और प्रभु, मैं जानता था आप यहाँ आकर भी अपने प्रभु का ही राग गाएंगे, क्योंकि सदा ही आपके लिए आपके पुत्र से महत्वपूर्ण आपके लिए आपके प्रभु रहे हैं और उनकी भक्ति रही है। क्योंकि प्रभु की भक्ति ही सत्य है, पुत्र मोह मात्र एक माया है और प्रभु भक्ति एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सत्य है, और यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो तो तुम्हारा सभी दुख स्वयं समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसी बात है, आपका पुत्र आपके लिए माया ही है, पिता और पुत्र के संबंध आपके लिए कोई अर्थ ही नहीं रखते, तो जाइए आप यहाँ से, जाइए अपने प्रभु के पास और करिए उनकी भक्ति, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरी भूल थी जो आपको यहाँ बुलाने के लिए मैंने इतने प्रयास किए। चला जाऊंगा, बस तुम मुझे उन बालकों की आत्माओं को लौटा दो जिन्हें तुमने बंदी बना रखा है। क्षमा करिए पिताश्री, यदि सब माया ही है तो आप उन बालकों की मृत्यु को भूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि यह अधर्म है। और यदि मैंने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? अपने ही पुत्र की हत्या करेंगे? प्रभु का कार्य करने के लिए यदि मुझे यह भी करना पड़ा तो मैं अवश्य करूंगा। तो ठीक है, तो कर दीजिए मेरा अंत और ले जाइए उन आत्माओं को, क्योंकि मेरे जीते जी तो यह संभव है। मगर ध्वज, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो उचित है। जय श्री राम। मुझे मत रोकिए प्रभु, अंत करने दीजिए मुझे इस अधर्मी का। भक्त हनुमान, अधर्मी और पुत्र की भूल में अंतर होता है, भूल को सदैव दंड दे के नहीं सुधारा जाता, प्रेम पूर्वक भी सुधारा जाता। जो आपका अपमान करे उसके लिए मेरे हृदय में प्रेम कैसे जागृत हो सकता है प्रभु? प्रभु, देखा आपने तिरस्कार? भक्त हनुमान, यदि तिरस्कार को दूर करना है तो पहले उसके कारण को समझना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ आ रहा है तो बस यह है कि मैं दुखी हूं, और इस कारण से क्योंकि मेरा पुत्र भक्ति भाव से विहीन है। यदि आपको उसके पुत्र होने का दुख है तो हो सकता है उसे आपके पिता होने का दुख हो। आप तो भली भांति जानते हैं कि भक्ति से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आपकी भक्ति सर्वोच्च है, मैं तो केवल ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि हमारा परिवार है तो भक्ति के साथ हमें परिवार का भी ध्यान रखना होता है। किंतु प्रभु, यह कैसे संभव है? भक्ति और सांसारिक संबंध तो आपस में एक दूसरे के विरोधी है। नहीं हनुमान, भक्ति और सांसारिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वह इनके पूरक है। हे मयूरराज,
आप सभी का द्वारका में स्वागत है, किंतु वृंदावन से यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? मुझे भी आपके यहाँ आने की प्रसन्नता है, किंतु मयूराज ये क्रंदन कैसा है, ये कैसी पीड़ा है? वृंदावन में सब कुशल मंगल तो है ना, आप किस संकट की बात कर रहे हैं? किंतु गोपियां ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनका विरह इतना त्रासित कैसे हो सकता है? प्रेम तो बल देता है, मैं निर्बल कैसे हो सकती हूँ? उनके आत्मबल से तो मुझे बल मिला, गोपियां इतना अनिष्टकारी निर्णय कैसे ले सकती हैं? कान्हा, तुम हमें छोड़कर चले गए, हमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी गोपियों का क्या होगा। हाँ कान्हा, तुम्हारे प्रेम के इस विरह को सहन करना अब असहनीय है, तुम्हारे बिना अब हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, इसलिए हम अपना जीवन ही त्याग देंगे। नहीं गोपियों, ये निर्णय उचित नहीं। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सही समय पर मुझे संकेत दे दिया, मेरे जीवन का आधार है ये गोपियां, मेरी लीलाओं की साक्षी रही हैं। आज उनका जीवन संकट में, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। सुगंधा, हमने अपने कान्हा को कितना पुकारा, किंतु ऐसा लगता है कि द्वारका जाकर वह बदल गया है, निष्ठुर हो गया है। हाँ सुभद्रा, यदि कान्हा निष्ठुर नहीं होता तो क्या वो हमारी पुकार अनसुनी करता? क्या हमारे आंसू देखकर उसका हृदय नहीं पिघलता? हमारे इस दुख को देखकर क्या वो वृंदावन नहीं आता? यहाँ से जाते हुए कान्हा ने हमें वचन दिया था कि हम जब भी संकट में होंगे वो जरूर आएगा। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब कान्हा ने हमें वचन दिया था कि वो लौटकर जरूर आएगा। हम तो उसी क्षण मर गई होती यदि कान्हा ने हमसे जाते हुए ये ना कहा होता कि तुम मुझसे मुंह फेरकर क्यों बैठी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी कान्हा, क्योंकि तुम तो हमें छोड़कर जा रहे हो। जब तुम्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं तब हम तुमसे बात क्यों करें? गोपियों, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें सदा सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हम क्या, सभी लोग यही कह रहे हैं कि एक बार तुम चले गए फिर कभी नहीं लौटोगे। गोपियों, तुम सबकी क्यों सुनती हो? तुम अपने हृदय से पूछो, क्या तुम्हें अपने खाना पर विश्वास नहीं है? यदि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। खाना, हमें हमारे प्रेम पर तो विश्वास है परंतु तुम पर नहीं, क्योंकि तुम मीठी मीठी बात करके हमेशा हमारे साथ छल करते आए हो। गोपियों, मैं तुम्हारा क्रोध समझता हूँ, परंतु सत्य तो ये है, जितना तुम मुझे जानती हो उससे अधिक और कोई नहीं जानता। मैंने तुम्हें जो भी वचन दिया है मैंने निभाया है। तो फिर हम तुम्हारी बात ऐसे नहीं मानेंगे, तुम हमें वचन दो कि जब भी हम तुम्हें पुकारेंगे तुम लौट कर आओगे। गोपियों, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब भी तुम मुझे पुकारोगी, यदि तुम संकट में हुई तो मैं तुम्हारी पुकार पर दौड़ा चलाऊंगा। पर देखो, इतने वर्षों से हम उसे पुकार रहे हैं पर वो निष्ठुर वचन देकर भी भूल गया। हमारे इतना पुकारने पर भी वो आज तक एक बार भी वृंदावन नहीं आया। हम ही मूर्ख थी जो हमने कान्हा की बातों पर विश्वास किया और उसे जाने दिया, किंतु अब वो चला गया। अब हम क्या करेंगे, कैसे बुलाएंगे अपने कान्हा को अपने पास? जल बीच मीन प्यासी, सुन सुन मोहे आवे हासी। जैसे जल के बीच में रहते हुए भी मछली प्यासी रहती है, वैसे ही हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। कान्हा के जाने से जैसे हमने जीवन का सारा सुख खो दिया, अब तो सांस भी बड़ी कठिनाइयों के साथ आती है। गोपियों, अब हम ऐसी स्थिति में क्या करें? गोपियों, तुम्हें याद है जब कान्हा को हमने यहाँ से जाने की अनुमति दी थी तब हमने उससे प्रेम की पराकाष्ठा के विषय में पूछा था। हम कैसे भूल स-
सकती है कान्हा की स्मृतियाँ। कान्हा की स्मृतियाँ ही तो हमारा जीवन है। हमने कान्हा से उसी समय आज की स्थिति के बारे में पूछा था। हम वृंदावन की गोपियाँ तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति तो दे रहे हैं, परंतु यदि हम तुम्हारे प्रेम का वियोग न सहन कर पाए, यदि तुमसे बिछड़ने की पीड़ा अक्षय हो जाए, तो हम क्या करेंगे कान्हा? गोपियों, बाहर का पट बंद करो और भीतर का पट खोलो। तुम्हें मुझे भारी आंखों से नहीं, अपितु भीतरी आंखों से देखने का प्रयास करना होगा। कान्हा, हम बाहरी भीतरी नहीं जानते, हम तो बस तुम्हें जानते हैं और तुम्हारे प्रेम को जानते हैं, और ये जानते हैं कि यदि प्रेम की प्राकाष्ठा के समय हमें तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, तो हम अपना जीवन त्याग कर देंगे। गोपियों, तुमने किस लिए मेरा आह्वान किया? माता, जीवन से हमारी आस्था समाप्त हो गई है, कृपया हमें अपनी शरण में ले लीजिए। गोपियों, मैं तो जीवन दायिनी हूँ और मेरे जल से संसार का जीवन चलता है, और तुम सब प्रभु की प्रिय गोपियां हो, तो तब तुम अपना जीवन क्यों समाप्त करना चाहती हो? हे माता, जिससे हमें स्नेह था, जिसके लिए हमने अपना हृदय समर्पित किया, जब उसने ही हमसे मुंह मोड़ लिया, तो हम जीकर क्या करेंगे? हाँ माता, हमने कान्हा को बहुत पुकारा, लेकिन इतने वर्षों में उन्होंने हमें कभी दर्शन नहीं दिए, इसलिए अब उनसे मिलने का हमारे पास एक ही मार्ग है कि हम अपना शरीर त्याग दें। गोपियों, मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझ सकती हूँ और तुम्हारे दुख का आभास भी है मुझे, क्योंकि आरंभ में जब मेरा उद्गम हुआ तो लोग मेरे जल से भय खाते थे, क्योंकि इस जल में कालिया नाग जैसे पापी का वास था, किंतु कान्हा ने अपनी लीला से मुझे इस संसार में एक नया स्थान दिया, और इसीलिए तुम्हारी तरह मैं भी कान्हा के यहाँ से जाने से बहुत दुखी हूँ। परंतु गोपियों, हमें भी कान्हा की विवशता को समझना चाहिए, उनके जीवन के बहुत सारे कार्य अभी शेष हैं, इसीलिए तुम सभी से मेरी विनती है कि कान्हा की विवशता को समझो और उनका स्मरण करके यहाँ से लौट जाओ। माता, जब कान्हा हमारे प्रति इतना निष्ठुर हो गया है, तो हम क्यों कान्हा की चिंता करें? नहीं माता, अब हम कान्हा को और समय नहीं दे सकते। हाँ माता, हमने निर्णय ले लिया है, हम अपना जीवन समाप्त करके ही रहेंगे। गोपियों, तुम्हारे निर्णय को मैं बदल तो नहीं सकती, किंतु मेरा सुझाव है कि और प्रतीक्षा करो, क्योंकि कान्हा अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, वे अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। माता, हमें अपनी रक्षा नहीं करनी, हमें तो बस विरह की इस वेदना को समाप्त करना है। गोपियों, तुमने कान्हा से प्रेम किया है तो उन पे विश्वास भी करो, तुम्हारे मन के जो भी कष्ट हैं, कान्हा उसे अवश्य दूर करेंगे। ठीक है माता, यदि आप कहती हैं, तो हम प्रतीक्षा करेंगे, और यदि कान्हा फिर भी नहीं आता, तो आपको हमें अपनी शरण में लेना होगा। इस समय गोपिकाओं के हृदय में हमारा प्रेम भरा हुआ है, इसलिए मेरे ज्ञान का उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मित्र, यही तो तुम्हारे ज्ञान की विशेषता है, वो भावनाओं से परे मनुष्य को सच्चे ज्ञान की अनुभूति कराती है। गोपियों के हृदय में प्रेम की स्थापना तुमने की है कृष्ण, ज्ञान को उन तक पहुंचने से तुमने ही रोका है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हें याद है कृष्ण, जब पहली बार भयसुर वृंदावन में आया था? तुम लोग ने ये भयंकर स्वर सुना? कौन सा स्वर? लगता है मेरे मन का कोई भय था। चलो चलो, चलो। ये स्वर तो अब हमें भी सुनाई दे रहा है, कहीं ये कंस का कोई असुर तो नहीं? किंतु कंस के असुर भयभीत नहीं करते, सीधा प्रहार करते। रो 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 रो
फैंकाओ, मुझसे जितना फैंकाओगे मैं उतना शक्तिशाली बनूंगा। भला मैं भैसुर को कैसे भूल सकता हूँ? उस समय वृंदावन में तुम भी हमारे साथ ही थे। हाँ कान्हा, मैंने भी पहली बार एक असुर देखा था। वो भयंकर असुर वन में नहीं अपितु नगर में भी घुस आया था। क्या हुआ गोपियों, तुम इस प्रकार क्यों भागी जा रही हो? काका, वृंदावन में एक बहुत ही भयंकर असुर आ गया है, आप सब भी छिप जाइए, अन्यथा वह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे गोपियों, ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा, हमें उस असुर का सामना करना होगा। हाँ। अरे लकिया, गगन, गोपियों, हम लोग यहाँ इस कंदरा में क्या कर रहे हैं? लगता है हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे होंगे। पर यहाँ तो सारे वृंदावन वासी छुपे हुए हैं, पर हमें खोज कौन रहा है? गोपियों, मैं खोज रहा था तुम्हें, इसलिए तुम्हारी और मैं जीता। गोपियों, अब तुम मुझे क्या देख रही हो? चलो चलो वृंदावन चलो, वहाँ पे बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। पानी भरना है, माखन बनाना है, और यदि तुम काम करोगी तभी तो मैं भी कार्य करूंगा ना। अच्छा, तो तुम्हारे लिए हमारी मटकियां फोड़ना ही काम है। ठहरो, अभी बताते हैं तुम्हें। कृष्णा, तुमने अपने श्रृंगार बन से गोपियों के हृदय को प्रेम से भर दिया था, और हर वृंदावन वासी के हृदय में प्रेम की स्थापना भी की थी। सत्य कह रहे हो सखा, क्योंकि प्रेम के बिना वृंदावनवासी कंस का सामना नहीं कर पाते। और वही प्रेम आज उनका शत्रु बन गया है। मित्र, मैं समझा नहीं सका। तुम्हारा प्रेम इतना प्रगाढ़ है मित्र, उसे कोई भय गया, संसार का कोई भी ज्ञान और कोई भी तर्क उसे भेद नहीं सकता। सखा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि गोपियों के मन से प्रेम को समाप्त कर दो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उन्हें विराग सैनी की शक्ति दो, ताकि इस ज्ञान को वे अपनी शक्ति बना सके। मित्र, मनुष्य का मन एक ही होता है, इसमें या तो ज्ञान रह सकता है या प्रेम। यदि तुम चाहते हो कि मैं उन्हें ज्ञान योग की शिक्षा दूं, तो सर्वप्रथम तुम्हें उनके मन से प्रेम को समाप्त करना होगा, जिसकी स्थापना तुमने बाल्यकाल में की थी। क्षमा करना सका, किंतु ये संभव नहीं है। देवगुरु, जिस प्रेम की स्थापना के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, प्रेम की उस विरह को दूर करने के लिए उद्धव उस दिव्य प्रेम को ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं, भला ये कैसे संभव है देवगुरु? सत्य कहा देवराज आपने, प्रभु के अवतार का आधार ही प्रेम है, और यदि उन्होंने अपने प्रेम को ही समाप्त कर दिया तो उनके अवतार का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। किंतु देवगुरु, गोपियां प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं, यदि शीघ्र ही इस समस्या का कोई हल नहीं निकला तो वे अपना जीवन समाप्त कर लेंगी। प्रभु क्या निर्णय लेने वाले हैं ये तो कोई भी नहीं जानता, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि प्रभु अपने भक्तों का ना तो अहित होने देंगे और ना ही उनकी भक्ति का, और इस संसार को प्रेम के रंग में रंगने के लिए ही तो प्रभु का अवतार हुआ है, भला वो इस धरती को प्रेमहीन कैसे होने दे सकते हैं? प्रेम और ज्ञान एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। सखा, जिस प्रकार जल से भरा पात्र में और जल नहीं डाला जा सकता, उसी प्रकार प्रेम से भरे हुए हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सखा, प्रेम जल नहीं, प्रेम तो गुड़ के समान है, जो पानी में घुलकर अपना स्थान बना लेता है। वैसे ही प्रेम से भरे हृदय में ज्ञान अपना स्थान बना लेता है। मित्र, तुम सत्य कह रहे हो, ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के शत्रु नहीं होते, परंतु गोपियों के मन में भय को समाप्त करने के लिए तुमने उन्हें प्रेम दिया था, उन्होंने अर्जित नहीं किया था, इसलिए तुम्हारा दिया हुआ प्रेम उनका मोह बन गया, और उसी मोह ने उनको इतना अंधा कर दिया कि अपना जीवन त्यागने के लिए तत्पर हो गई है। तुम सत्य कह रहे हो सखा,
मेरा प्रेम गोपियों का मोह बन गया है, और जहां मोह होता है वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले मुझे इस मोह को समाप्त करना होगा ताकि तुम गोपियों को ज्ञान बांट सको। एक बार और सोच लो मित्र, यदि एक बार मैंने उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आलोकित कर दिया तब ये भी संभव है कि उनके हृदय में दोबारा तुम्हारा प्रेम पल्लवित ही ना हो। सखा, सच्चा प्रेम ज्ञान के साथ आता है, इसलिए गोपियों के इस मोह को मुझे समाप्त करना होगा ताकि तुम अपना ज्ञान उन्हें दे सको।